बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर राजाजी नेशनल पार्क को लेकर डीएफओ नीरज शर्मा ने अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि जो भी नया साल मनाने राजाजी नेशनल पार्क की सीमा में आएगा उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं सभी वन्य जीव कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। आपको बता दें कि पर्यटक राजाजी नेशनल पार्क की हद में पहुंच जाते हैं और नासमझी में वन अधिनियम के जाल में फंस जाते हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आगमन हो रहा है और इसमें आप जानते ही हैं कि जगह जगह इसमें फंक्शन आयोजित होते हैं, लोग जाते हैं, तो हमारा तो ध्यान अपने वन क्षेत्रों में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा पे रहता है। तो इसके लिए स्टाफ को अलर्ट जारी किए गए हैं सभी लोगों को, और बहुत ही आवश्यक कोई परिस्थिति है तो उसके अतिरिक्त कोई अवकाश हम स्वीकृत नहीं करेंगे। और विशेष गश्त इसके लिए किया जा रहा है जंगलों में, और जो नववर्ष और इसके आसपास ये रहेगा जो विशेष अभियान है, जिससे कि कोई भी इस तरह की परिस्थिति ना पैदा हो, या तो वन क्षेत्र को नुकसान हो ना वन्य जीवों को कोई क्षति पहुंचा पाए। और अगर कोई इस तरह की बात होगी तो उस पर हम लोग जो नियमानुसार है वो कार्रवाई भी करेंगे कड़ी कार्रवाई।